सो हाय गाइस, सो अगर आप भी ना जो जॉयस्टिक स्टक की प्रॉब्लम है वो फेस करते हो बीजीएम में या फिर पबजी मोबाइल में, जो आपकी जॉयस्टिक है ना बार बार अटक जाती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। सो आपके साथ भी वैसा होता है कि आप फाइट में अचानक जो आपकी जॉयस्टिक है ना वो स्टक हो जाती है एंड आपकी जो मूवमेंट है ना उधर ही रुक जाती है। सो ये जो जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम है ना काफी कॉमन है एंड ये जो प्रॉब्लम है ना मैं भी काफी टाइम से फेस कर रहा था कि जॉयस्टिक ना मेरी स्टक हो जा रही थी बार बार फाइट के बीच में। सो ये जो जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, मैं आपके साथ यही टिप शेयर करने वाला हूँ। सो जो हमारी फर्स्ट टिप आती है, अगर आपकी जो जॉयस्टिक है उसकी साइज ना 100 से कम है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप उसकी जो साइज है उसको ना 10 या फिर 15 या प्लस कर दो करंट साइज से। इससे आप काफी फ्रीली ना आपकी जो जॉयस्टिक है उसको मूव कर पाओगे। सो जो हमारी सेकंड टिप आती है, आपकी जो स्प्रिंग सेंसिटिविटी है उसको आपको चेंज करके 85 से लेकर 95 के बीच में रख लेनी है। सो जो मेरी स्प्रिंग सेंसिटिविटी है वो है 91, आप चाहो ना तो आप यूज कर सकते हो। सो मैंने आपके साथ ये जो टिप्स शेयर किया है इसको एक बार ट्राई जरूर करना, इससे जो आपका जॉयस्टिक स्टक का प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा।